जितने विघ्न हैं उन विघ्नों को हरने वाले, विघ्नों को समाप्त करने वाले भगवान गणेश हैं। क्यों? क्योंकि जब देवताओं से युद्ध हुआ था, साथ साथ में शंकर जी से युद्ध हुआ था, और जो परास्त नहीं हो रहे थे तो उन्होंने उस समय सोचा कि ऐसा बलशाली कौन है, और जब सब परास्त हो गए और जब पुनः गणेश जी का वहां पर जिस प्रकार का मैंने कहा कि शिरच्छेद हुआ था, और फिर जीवित होने के बाद में जैसा शूरता देखी थी उनके अंदर, उनका बल देखा था, उनका वीर्य देखा था, और उसमें सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि हे गणेश, आप देखने में बड़े छोटे लगते हैं परंतु आप महान बलवान हैं, और कोई भी सत्कार्य हो तो सत्कार्य के लिए सबसे पहले आपका पूजन होगा, ताकि कोई विघ्न न आवे किसी कार्य में। और इसीलिए जब वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने लगे थे, उन्होंने गणेश की उपासना की, भगवान गणेश की आराधना की, उनका आह्वान किया, और आह्वान करके उन्होंने कहा कि हमारा कार्य करो। जैसे ही गणेश जी आए, उन्होंने पूछा कि हे व्यास जी, बताइए आप मुझे क्यों बुलाए। व्यास जी ने कहा कि हमारा एक कार्य है, मैं महाभारत की रचना करने जा रहा हूँ, विशाल ग्रंथ है और मैं बोलता जाऊंगा, अब आप अर्थ लगा करके लिखिए। देखिए यहाँ पर एक विशेषता है व्यास जी की भी, उन्होंने विचार किया कि मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकल गया ऐसा जिसका अर्थ अलग हो, वहां पर गणेश जी से प्रार्थना की कि आप इसका सही सही अर्थ लगा करके आप इसको लिखें। हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि जो श्रीमद महाभारत जो लिखा गया है वो माँ साक्षात सरस्वती जिह्वा पर थी वेद व्यास जी के, और वो लिखने वाले जो लेखन है वो स्वयं गणेश जी ने किया है, ऐसी हमारे यहाँ पर मान्यता है। इसलिए सभी देवताओं ने गणेश जी को बिल्कुल आशीर्वाद देकर कि आप सभी विघ्नों के हर्ता है। इस प्रकार हमारे संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी कोई सत्कार्य होता है, जहाँ जहाँ कोई शुभ कार्य होता है, गणेश जी की प्रार्थना की जाती है। और विशेष रूप से जो महाराष्ट्र में इस गणपति का जो ये प्रथा चली है, यहाँ पर सबसे पहले से ही प्राचीन यहाँ पर गणेश जी के स्थान हैं, और गणेश अथर्वशीर्ष जिसको बोलते हैं हम लोग वेदों में, गणेश जी की बड़ी भारी उपासना की है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा अष्ट विनायक है, सिद्धि विनायक है, अनेक अनेक बड़े बड़े गणपति के स्थान हैं। हमारे यहाँ पर वाराणसी में भी, वहाँ भी ढुंडीराज गणपति हैं, उनके दर्शन करने के बाद ही आप काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में बड़े गणपति हैं, इस प्रकार के अनेक अनेक गणेश के मंदिर हैं। और गणेश जी ऐसे एक देवता है, आप उनको स्मरण करो। आवश्यक नहीं है कि गणेश जी की बड़ी प्रतिमा बनाओ, जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा नहीं होती है वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, एक वहाँ पर सुपारी रखते हैं और सुपारी में ही आवाहन करते हैं, हे गणेश जी यहाँ आकर के हमारे पूजा को आप निर्विघ्न रूप से संपन्न कराओ, आपके हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का जो गणेश जी की जो विशेष रूप से जो आराधना होती है, और उसमें भी आजकल बड़े भव्यता से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। परंतु किसी ने मुझे प्रश्न किया कि यहाँ पर तीन प्रकार के गणेश जी की स्थापना होती है, एक होती है डेढ़ दिन के लिए, एक होती है तीन दिन के लिए, एक होती है पाँच दिन के लिए, एक होती है सात दिन के लिए। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से भगवान गणेश की हम आराधना करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी शक्ति होती है, उस श्रद्धा और शक्ति के अनुसार हम उपासना करते हैं। तो देखा देखिए ऐसा लगता है कि हमें भी करना चाहिए, तो इसके लिए क्योंकि गणेश जी की जब हम स्थापना करते हैं उसके लिए विधान होता है कि पहले हम स्थापना करें, उनका आवाहन करें, और उनके आवाहन के बाद में उनका पूजन करें, और पूजन करके नित्य उनके यहाँ पर जो उनका मानसिक रूप से उनका स्नान है, उनका वस्त्र है, उनका नैवेद्य है, उनके लिए आरती है, ये की जाती है। क्योंकि एक विधि होने के कारण वो विधि अपने को 10 दिन होती है कि नहीं होती है, उस विधि में हम कितने सक्षम हैं। इसलिए एक परंपराएं चली कि हमारे यहाँ जैसे कोई अतिथि आते हैं
तो हम भगवान को अपने घर में अतिथि रूप से लाते हैं, और उस समय घर का वातावरण ऐसा होता है जैसे मंदिर हो, जैसे मंदिर पवित्र होते हैं और पवित्र मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार जब हम गणेश जी को लाते हैं तो एक भगवान को अतिथि रूप से हम अपने घर में लाते हैं और अपने घर को पवित्र करते हैं, अपने घर को सजाते हैं और भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। और ऊंचे आसन पर बिठाने के बाद में जो हमारी परंपरा है, जो हमारी एक परंपरा हुई है, उस अनुसार हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं, उनके लिए पुष्प अर्पण करते हैं, उनकी आरती करते हैं, और इसके बाद में हम कहते हैं कि हे भगवान, आप जहाँ से पधारे हैं, क्योंकि आपका जो अधिष्ठान है, आपका जो स्थान है वो जल में है, इसलिए हम आपको अब पुनः आपके घर तक छोड़ने आते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनको इतना सजाते हैं, और उसके बाद में हम लोग उनको